हेड पे सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। नो इंट्रो नो टाइम पास, डायरेक्ट काम की बात। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है और यह वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं सोलार 4G आउटडोर सीसीटीवी कैमरा का, जो ये रहा। और यह कैमरा वहाँ पर काम आता है जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, जैसे कि खेतों में, क्योंकि ये कैमरा चलता है सोलार पावर से और इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी भी दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये रहा वो सोलर 4G आउटडोर सीसीटीवी कैमरा का बॉक्स। और इस कैमरा का जो कंपनी का नाम है वो है अपना कैम, और इस नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक इंडियन प्रोडक्ट है। और कंपनी का वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है apnacam.com, वहाँ से भी आप इस कैमरा को खरीद सकते हैं और अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे कैमरा का नाम दिया हुआ है अपना कैम 4G सोलर PTZ। PTZ मतलब पैन टिल्ट एंड जूम, मतलब ये जो कैमरा है ये घूम सकता है दाएं बाएं ऊपर नीचे और जूम भी हो सकता है। और ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सोलर पैनल भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया हुआ है, जैसे कि सिम सपोर्ट, मतलब इसके अंदर आप सिम कार्ड डाल सकते हैं, वाईफाई का जरूरत नहीं है। वाटरप्रूफ है, वेदरप्रूफ है। उसके बाद लिखा है 360 डिग्री, मतलब ये घूम सकता है कैमरा। नाइट विजन है, और इसका जो नाइट विजन है वो कलर नाइट विजन भी इसमें अवेलेबल है। उसके बाद देखते हैं क्या है। और जी हाँ, इसमें आपको 6 मंथ का वारंटी मिलेगा, लेकिन अमेजोन पे बाकी कैमरास पे वारंटी नहीं मिलता है, लेकिन अपना कैम इसमें वारंटी दे रहा है 6 मंथ का, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। उसके बाद यहाँ पे मोशन डिटेक्शन है, यहाँ पे HD लिखा हुआ है, लेकिन ये कैमरा फुल HD से भी ऊपर का वीडियो रिकॉर्ड करता है। और आप इसको इंडोर पे भी यूज कर सकते हैं, आउटडोर पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद और भी फीचर्स लिखा हुआ है, जैसे कि है रिचार्जेबल बैटरी है इनसाइड में, 360 डिग्री रोटेशन हो सकता है, 4G सिम सपोर्ट करता है, मिनी 128GB SD कार्ड सपोर्ट करता है, ऑटो डिटेक्ट फीचर है, मल्टी यूजर सपोर्ट है। और इस कैमरा का वारंटी को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है और यहाँ पे कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो सबसे ऊपर मिला है 6 मंथ वारंटी कार्ड। उसके बाद कैशबैक का भी ऑफर है, आपको 50 रुपीज कैशबैक मिलेगा पेटीएम के थ्रू। उसके बाद जो मेन है ये है, ये देखिए, ये हो गया सोलर पैनल। तो यही इस कैमरा का खासियत है, यहाँ पे सनलाइट गिरता है और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उससे ये कैमरा रन करता है और उसका बैटरी भी चार्ज होता है। तो ये हो गया सोलर पैनल। उसके बाद कुछ एसेसरीज है, यहाँ पे एसेसरीज है, उसको देखेंगे। कैमरा को निकाल लेते हैं, तो ये निकल गया है कैमरा, और उसके नीचे ये हो गया ड्रिलिंग टेम्पलेट और यूजर मैनुअल। तो चलिए अभी देखते हैं एसेसरीज को। उसके अंदर है पावर अडाप्टर, USB टू माइक्रो USB केबल। तो अगर आप इस कैमरा को इंडोर पे यूज करने वाले हैं तो इस पावर अडाप्टर का जरूरत पड़ेगा, और बाहर के लिए जरूरत नहीं है। उसके बाद ये हो गया माउंटिंग स्क्रूज, ये वाला हो गया माउंटिंग स्टैंड और भी माउंटिंग स्क्रूज। तो इसमें इतना ही था। तो ये रहे बॉक्सी कंटेंट। तो ये रहा अपना कैम सोलर 4G आउटडोर सीसीटीवी कैमरा। ये कैमरा देखने में बहुत ही बल्की है, लेकिन इतना हैवी नहीं है, एकदम लाइट वेट है। तो इसका जो ये वाला ब्लैक वाला हिस्सा है, यही एक्चुअल कैमरा है, और ये पैन एंड टिल्ट हो सकता है। देखिए, ये ऐसे दाएं बाएं घूम सकता है और ये वाला हिस्सा ऊपर नीचे हो सकता है। और इस कैमरा का जो मेन लेंस है यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे नाइट विजन लाइट्स दिया हुआ है और LED लाइट्स भी दिया हुआ है। जो नाइट विजन लाइट है वो इंफ्रारेड लाइट्स है, उससे ये ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन कैप्चर करता है। बाहर पे चाहे जितना भी अंधेरा हो, ये ब्लैक एंड व्हाइट पे वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा ही। साथ ही इसमें LED लाइट्स भी दिया हुआ है, जिससे ये रोशनी पैदा करता है और कलर नाइट विजन रिकॉर्ड करता है। उसके बाद यहाँ पे सेंसर है और रडार भी दिया हुआ है, मोशन डिटेक्शन के लिए बहुत ही काम आता है। तो ये वाला हो गया कैमरा का सामने का हिस्सा, ये साइड का, ये पीछे का। ये वाला माउंटिंग प्लेट है, यहाँ पे आपको स्क्रूज लगा के इसको माउंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 वाईफाई एंटेना भी दिया हुआ है। उसके बाद ये वाला हो गया एक वायर, जिससे आपको ये सोलर पैनल को कनेक्ट करना पड़ेगा। और इस कैमरा पे माइक और स्पीकर भी दिया हुआ है, जो स्पीकर है यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको एक 4G सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड डालना पड़ेगा, और उसी माइक्रो SD कार्ड में ही वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। और सिम कार्ड के थ्रू ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और इसके लाइव फुटेज को आप अपने स्मार्टफोन पे देख सकते हैं दुनिया के कहीं से भी। अगर आप इसको खेत पे लगाएंगे तो खेत को अपने घर से देख सकते हैं। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। कैमरा के पीछे जो ये ढक्कन है उसको अनस्क्रू करके निकालना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा अभी सिम कार्ड को और मेमोरी कार्ड को। तो सिम कार्ड मैंने डाल दिया है, उसके बाद अभी डाल रहा हूँ माइक्रो SD कार्ड। आप अप टू 128GB डाल सकते हैं। तो देखिए, दोनों अंदर चला गया है, सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड। तो अभी इसको आपको बंद कर देना है और दोनों स्क्रू को टाइट कर देना है। तो ये हो गया कैमरा। उसके बाद चलिए देखते हैं इसके सोलर पैनल को। जब यहाँ पे धूप गिरेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा और इस वायर के थ्रू जाएगा कैमरा पे। तो
कैमरा का जो ये वाला वायर है यहाँ पे इसको ऐसे लगाना है, उसके बाद इसको टाइट कर देना है, तो कनेक्शन हो गया है। तो ये वाला जो सोलर पैनल है यहाँ पे माइक्रो यूएसबी का इनपुट है और ऑन ऑफ का एक स्विच है और माउंटिंग स्क्रूज है, माउंटिंग स्टैंड दिया हुआ है, सब कुछ मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। तो मैंने लगा लिया है, देखिए। तो ये रहेगा, ऐसे रहेगा और उसके नीचे ऐसे कैमरा रहेगा। तो इसको आपको खेत पे अगर लगाना है तो खेत पे आपको एक पिलर चाहिए होगा, वुडन पिलर भी हो सकता है, नहीं तो बेम्बो का भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपको ये वाला जो सोलर पैनल है तो इसको वहाँ पे लगाना पड़ेगा स्क्रू से, और कैमरा पे भी स्क्रू लगा के आपको पिलर पे लगा देना पड़ेगा। तो ऐसे रहेगा कम्प्लीट सेटअप। तो दिन के टाइम पे सुबह से शाम तक ये चलेगा सोलर पैनल से, और रात में ये चलेगा इसके अंदर दिए हुए इनबिल्ट बैटरी से। तो इसके लिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है ही नहीं, एक बार लगा दिया उसके बाद कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ इसके अंदर जो सिम कार्ड है उसको आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, जैसे आप अपने स्मार्टफोन को रिचार्ज करते हैं, मोबाइल का डाटा पैक लेते हैं, सेम उस टाइप का ही इसका जो सिम है उसमें भी सेम आपको रिचार्ज करना पड़ेगा और कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत ही सिंपल कैमरा है, और जो कि ये एक आउटडोर सीसीटीवी कैमरा है इसीलिए ये वाटरप्रूफ है। चाहे बारिश हो, चाहे डस्ट स्टॉर्म हो, चाहे थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग हो, तब भी ये कैमरा ठीक से चलता रहेगा। सिर्फ इस कैमरा को आपको खेत पे लगा के आ जाना है, उसके बाद आप घर से अपने स्मार्टफोन से इस कैमरा को आप दाएं बाएं ऐसे घुमा के हर तरफ देख सकते हैं, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, मतलब पूरे खेत का आप निगरानी कर सकते हैं, और साथ ही इसके फुटेज को आप स्मार्टफोन पे जूम करके भी देख सकते हैं कि खेत में कौन घुस आया है। और ये कोई नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ये आज के जमाने का स्मार्ट सीसीटीवी कैमरा है। जैसे कि इसमें मोशन डिटेक्शन है और रडार भी इसमें है, जब भी इस कैमरा के सामने कोई भी पर्सन आता है तब इसको पता चल जाता है और तब उसका नोटिफिकेशन आपको अपने स्मार्टफोन पे भेज देता है। तो आप अपने स्मार्टफोन से चोर को डांट के भगा भी सकते हैं, और इसमें इनबिल्ट अलार्म भी दिया हुआ है। अगर खेत में जानवर या चिड़िया घुसता है तब इससे एक अलार्म बजेगा और उसको सुनकर चिड़िया और जानवर भाग जाएंगे। तो अगर आपको अपने खेत के लिए एक सीसीटीवी कैमरा चाहिए था तो आप इसको ले सकते हैं, या फिर आपको एक ऐसी जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाना है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तब भी यह कैमरा आप ले सकते हैं। इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन रुकिए, उससे पहले इस कैमरा का जो ऐप है, इसका जो सेटअप है, सब कुछ देख लीजिए, इसका इंस्टॉलेशन देख लीजिए, इसका डे का फुटेज, नाइट का फुटेज सब कुछ देख लीजिए, उसके बाद ही इसको ऑर्डर करें। तो चलिए देखते हैं इसके ऐप को। इसका जो ऐप है उसका नाम है V380 Pro, ये आपको Google Play Store पे भी मिल जाएगा। तो इस ऐप को अभी ओपन करेंगे, उससे पहले चलिए कैमरा पे पावर दे लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाला जो सोलर पैनल है इसको मैंने खिड़की की तरफ रखा है, और फिलहाल मैं इंडोर पे ही हूँ, फिर भी खिड़की से जो रोशनी आ रहा है उससे ही ये कैमरा पावर ऑन हो जाएगा। उसके लिए सोलर पैनल पे एक स्विच है, उसको ऑन करना पड़ेगा। अभी देखिएगा ये वाला कैमरा घूमेगा। तो ये देखिए अभी कैमरा घूम रहा है, मतलब इसमें पावर आ चुका है। तो ऑटोमेटिकली ये पैन एंड टिल्ट होगा, उसके बाद रुक जाएगा, उसके बाद आपको ऐप को डाउनलोड करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई भी कनेक्शन नहीं दिया है, सिर्फ ये सोलर पैनल से ही अभी कनेक्टेड है। तो चलिए अभी ऐप को ओपन करते हैं। तो ये वाला हो गया ऐप का इंटरफेस। यहाँ पे सबसे ऊपर जो प्लस आइकन है वहाँ पे आपको टैप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऐड कैमरा पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ से आपको 4G स्मार्ट कैमरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी कैमरा पे एक QR कोड है, उसको स्कैन करना पड़ेगा। तो अभी टैप करना पड़ेगा ऐड डिवाइस पे, और कैमरा का एक नाम देना है। तो हो गया, अभी फिनिश करना है। तो यहाँ पे जो कैमरा का QR कोड है वो यहाँ पे आ गया है, इसको आप सेव करके रख सकते हैं। और अभी कैमरा कनेक्टिंग हो रहा है, यहाँ पे एक प्ले आइकन आया है, चलिए वहाँ पे टैप करते हैं। यहाँ पे एक वार्निंग आया है, लेकिन आपको घबराने का जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बोला है कैमरा के लिए एक पासवर्ड सेट करने के लिए, नहीं तो कैमरा का फुटेज को कोई भी देख लेगा, तो इसलिए आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया है, अभी करेंगे कन्फर्म। तो पासवर्ड सेट हो गया है, अभी यहाँ पे टैप करके आप इसके लाइव फुटेज को देख सकते हैं। तो ये देखिए अभी फिलहाल कैमरा का फुटेज यहाँ पे आ गया है। अभी आप इस कैमरा को खेत पे लगा के आ सकते हैं और घर पे स्मार्टफोन पे देख सकते हैं। तो ये जो ऐप है इसमें बहुत सारे फीचर्स है, चलिए आपको वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो डिस्प्ले है यहाँ पे आपको लाइव प्रीव्यू मिल जाएगा, इसको आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको सभी कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे, और सभी कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। जैसे कि एकदम नीचे आप देख सकते हैं स्नैपशॉट का ऑप्शन है, उसके बाद रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इसको दबाने से ये मोबाइल बन जाता है एक DVR, और कैमरा का जो वीडियो है इस मोबाइल पे सेव होता रहता है। तो वायरलेसली आप मोबाइल पे भी वीडियो को सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्पीकर का आइकन है, इसको दबा के आप बात कर सकते हैं। इसको दबाने से मोबाइल के सामने का जो वॉइस है वो कैमरा पे आएगा, और जो कि कैमरा पे माइक है इसलिए कैमरा का वॉइस भी स्मार्टफोन पे आ जाएगा। चलिए एक बार करके देखते हैं। तो मैंने अभी इसको टैप किया है और मेरा जो वॉइस है अभी कैमरा से आ रहा है।
लेकिन जो कि कैमरा पास है इसीलिए एको हो रहा है। और कैमरा का जो वॉइस है उसको सुनने के लिए यहाँ पे एक स्पीकर है, उसको ऑन करना पड़ेगा। अभी कैमरा का जो वॉइस है मोबाइल पे आ रहा है, लेकिन जो कि कैमरा पास है इसीलिए एको हो रहा है, लेकिन जब कैमरा दूर होगा तब आसानी से आप सुन सकते हैं क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे रिप्ले का आइकन है, रिप्ले को दबा के आप पुराना जो फुटेज है वो देख सकते हैं। क्लाउड का ऑप्शन है और माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन है, तो आप क्लाउड पे भी वीडियो को सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो माइक्रो एसडी कार्ड में तो वीडियो सेव होता ही रहेगा। और माइक्रो एसडी कार्ड में जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया है आप यहाँ पे देख पाएंगे, माइक्रो एसडी कार्ड को निकालने का भी जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो रिप्ले हो गया, उसके बाद है मोर, तो मोर पे आपको इन्वर्जन मिलेगा। उसके बाद लाइट कंट्रोल है, लाइट कंट्रोल पे आप इसको लाइट को ऑन कर सकते हैं। देखिए कैमरा का लाइट ऑन हो गया है, ऑफ कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं। ऑटो रखने से रात को ये जलेगा और दिन पे ऑफ हो जाएगा। उसके बाद मोशन ट्रैकिंग है, इसको ऑन करने से कैमरा के सामने जब भी कोई पर्सन आएगा उसके तरफ कैमरा ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। उसके बाद है इमेज सेटिंग और पीटीजेड कैलिब्रेशन, लेकिन जो जरूरी था वो था इन्वर्जन, लाइट कंट्रोल और मोशन ट्रैकिंग। तो नीचे का ये सब आपने देख लिया। उसके बाद ऊपर में ये वाला हो गया पीटीजेड कंट्रोल, यहाँ से आप कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलार्म का ऑप्शन है, अगर इसको आप ऑन कर देंगे ऐसे अगर बोलेगा तो चोर का हालत क्या होगा, तो ये सुन के कोई भी भाग जाएगा कैमरा के सामने से। तो आप रिमोटली घर से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो नीचे का फीचर्स आपने देख लिया, अभी चलिए ऊपर देखते हैं। ये जो प्रीव्यू है उसके नीचे प्ले पॉज का आइकन है, उसके बाद स्पीकर का आइकन है, उसके बाद क्वालिटी चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, पहले एसडी था अभी एचडी हो गया है। उसके बाद अगर आपके पास बहुत सारे कैमराज है उसके लिए ये वाला आइकन है, इसको क्लिक करने से ये वाला स्क्रीन स्प्लिट हो जाता है और जितना भी कैमरा है दिखाएगा, लेकिन फिलहाल जो कि यहाँ पे एक ही कैमरा है तो एक ही दिखा रहा है। उसके बाद ये वाला हो गया फुल स्क्रीन। चलिए बैक चलते हैं, अभी इसका सेटिंग्स पे क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए बैक जाना पड़ेगा, तो ये जो कैमरा है यहाँ पे जो तीन डॉट है वहाँ पे टैप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लाउड सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स, पासवर्ड सेटिंग्स, अलार्म सेटिंग्स, रिकॉर्डिंग सेटिंग्स, लाइट सेटिंग्स, डिवाइस सेटिंग और एडवांस सेटिंग्स भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो जरूरी है वो है रिकॉर्डिंग सेटिंग्स। रिकॉर्डिंग सेटिंग्स पे आपको रिकॉर्ड ऑडियो यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, तब ऑडियो भी रिकॉर्ड होगा। क्वालिटी एचडी सिलेक्ट है, तो वो सब यहाँ पे कर सकते हैं आप। उसके बाद अलार्म सेटिंग भी जरूरी है, तो अलार्म को यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। अलार्म साउंड को भी आप ऑन कर सकते हैं। और जो साउंड टाइप है यहाँ पे अलग अलग साउंड टाइप है। कस्टमाइज रिकॉर्डिंग भी आप करके दे सकते हैं, अपना वॉइस भी रिकॉर्ड करके आप अलार्म बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे डिफॉल्ट है। तो चलिए देखते हैं डिफॉल्ट में कैसा आवाज आता है, जब कैमरा के सामने चोर आएगा तब क्या होगा, कैसे साइरन बजेगा देखते हैं। चलिए तो चलिए अभी यहाँ पे कस्टमाइज रिकॉर्डिंग करके देखते हैं, मतलब मेरा जो वॉइस है वो अलार्म की तरह यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो चलिए करते हैं रिकॉर्डिंग। तो अभी इसको सेव करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो सक्सेस हो गया है। अभी अगर कैमरा के सामने कोई भी चिड़िया आएगा तब मेरा वॉइस आएगा कैमरा से। चलिए देखते हैं मेरा हाथ को हिला के। तो ये वाला आवाज़ सुन के चिड़िया तो भाग ही जाएंगे, और अगर इंसान आता है उसके लिए ये वाला डिफॉल्ट तो है ही, अटेंशन यू आर अंडर सर्वेलेंस, वो वाला तो डिफॉल्ट है ही। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें। और ये तभी एक्टिवेट होता है जब कैमरा के सामने कुछ आता है। और उसका जो सेंसिटिविटी है यहाँ पे दिया हुआ है PIR सेंसिटिविटी, जो फिलहाल हाई पे है। उसके बाद कैमरा के वॉल्यूम को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। डिवाइस वॉल्यूम सेटिंग्स यहाँ पे ये 7 था, आप इसको 10 भी कर सकते हैं। उसके बाद है लाइट सेंसिटिविटी, जो फिलहाल मीडियम है, मतलब अलार्म के साथ रात में ये लाइट भी जलेगा, तब किसी चोर का हिम्मत नहीं होगा इस कैमरा के पास आने का। तो इस कैमरा पे फीचर्स बहुत ज्यादा है। तो वो सब था सेटिंग्स। उसके बाद यहाँ पे शेयर का एक आइकन है, यहाँ पे टैप करके आप इस कैमरा को अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं, और फैमिली के सभी मेंबर एक साथ इस कैमरा के फुटेज को देख सकते हैं। तो चलिए अभी कैमरा को कहीं पे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इसको बाहर पे कहीं पे छोड़ के आएंगे, और उसके बाद इसका डे का वीडियो सैंपल और नाइट का वीडियो सैंपल भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो इसीलिए कहीं मत जाइए। तो अभी कैमरा को करेंगे इंस्टॉल। उसके लिए मैंने एक वुडन पिलर लिया है, ये देखिए ये हो गया वुडन पिलर। आप कंक्रीट का भी ले सकते हैं, नहीं तो आयरन का भी ले सकते हैं। तो इस पिलर पे जो सोलर पैनल है ऐसे रहेगा, और उसके नीचे कैमरा ऐसे रहेगा। तो उनको लगाने के लिए आपको यहाँ पे जो ड्रिल टेम्पलेट दिया हुआ था ये वाला, इस ड्रिल टेम्पलेट को यहाँ पे लगा के आपको यहाँ पे ड्रिल करना पड़ेगा। तो ये वाला हो गया सोलर पैनल का ड्रिल टेम्पलेट, और ये मैंने बनाया है, ये हो गया कैमरा का ड्रिल टेम्पलेट। तो चलिए अभी इनको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी जहाँ जहाँ मार्किंग है वहाँ पे आपको ड्रिल करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक ड्रिल मशीन ले सकते हैं, ऐसा वाला ड्रिल मशीन मिल जाता है 1100-1200 के अंदर। तो चलिए करते हैं ड्रिल।
तो ड्रिल हो चुका है, अभी इनका जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले लगा लेते हैं सोलर पैनल को, साथ में जो स्क्रूज दिए हुए थे उनसे ही लगाएंगे, स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे। तो सोलर पैनल लग चुका है, अभी है कैमरा का बारी। तो देखिए सोलर पैनल और कैमरा लग चुका है और ये हो गया मेरा कैमरा इंस्टॉलेशन। देखिए तो चलिए अभी इस कैमरा को खेत पे लगा के आते हैं। तो ये देखिए मैंने खेत पे कैमरा को यहाँ पे लगाया है, तो ये पूरा खेत को कवर करेगा अभी। तो ये था मोस्ट रिक्वेस्टेड सोलर 4G आउटडोर CCTV कैमरा का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वाला कैमरा बहुत ही अच्छा लगा होगा और काम का भी लगा होगा। अगर हाँ तो अभी इसको ऑर्डर करें। इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये जो कैमरा है ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, क्योंकि इसके साथ एक सोलर पैनल भी मिलता है और इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी भी दिया हुआ है। लेकिन ये जो ब्रांड है अपना कैम, ये बहुत ही कम दाम पे ये कैमरा अभी सेल कर रहे हैं। Amazon पे आपको इस टाइप का सोलर कैमरा मिलेगा 15,000 से 16,000 रेंज पे, लेकिन अपना कैम का ये वाला सोलर कैमरा आपको मिलेगा सिर्फ 12,999 रुपीस पे। और अगर आप उनके वेबसाइट में विजिट करेंगे जो है apnacam.com, और वहां पे अगर आप मेरे दिए हुए कूपन कोड को यूज करेंगे जो है मेरा नाम Bhargav500, तो आपको 500 रुपीस का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको मिल जाएगा 12,500 रुपीस पे, और इतने कम दाम पे आपको सोलर कैमरा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये लेना है तो इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे दिए हुए लिंक से ही खरीदिए, क्योंकि सेम इस टाइप का देखने वाला कैमरास भी अवेलेबल है, लेकिन वो 4G कैमरा नहीं है, वो वाईफाई कैमरा है, और खेत में कहां से वाईफाई मिलेगा। तो आपको यही लेना है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह के यूजफुल गैजेट्स के रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।